तो अवाम का काम जो करता, जो मसले मसाइल में हाजिर रहता, जो एक दूसरे को लेकर चलता, मार्केट का मसला है जो भी रहते, नासिर उत्ता साहब हर मसले में वहाँ पर प्रेजेंट रहते, हर मसले को हल कर देते, तो हमारा भी काम बनता, हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि हम नासिर उस्ताद को साथ देंगे और जीतेंगे। आज यहाँ पर हमारे एसोसिएशन में नासिर हुसैन उस्ताद साहब आए हैं अपने इलेक्शन की जीत हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह हम पूरे एसोसिएशन की तरफ से पूरा सपोर्ट नासिर उस्ताद साहब को हम करेंगे और जिताएंगे बहुत अच्छे से अच्छे से। अब की बार नासिर उस्ताद को जिताकर इंशाल्लाह ताला गुलबर्ग में एक नया कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग जो ना हम नासिर उस्ताद का सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं आने वाली 10 तारीख को इलेक्शन है, आप हमको आपको तमाम लोगों को एक होना है और एक मुतिन होकर नासिर उस्ताद साहब को जिताना है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि गुलबर्ग की हालत क्या चल रहे हैं, तो हमको इसको देखना है, एक अच्छे कायद लीडर को लाना है। अब तक तो देख चुके हैं हम कांग्रेस की हुकूमत क्या करी है और क्या करने वाली है। ये सब खाने का काम करने वाले अवाम का काम करने वाले हैं, तो अवाम का काम जो करता, जो मसले मसाइल में हाजिर रहता, जो एक दूसरे को लेकर चलता, मार्केट का मसला है जो भी रहते, नासिर उस्ताद साहब हर मसले में वहाँ पर प्रेजेंट रहते, हर मसले को हल कर देते, तो हमारा भी काम बनता, हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि हम नासिर उस्ताद को साथ देंगे और जीतेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और मार्केट के यूनियन से और हमारे उत्पाद की यूनियन से भी गुजारिश करता हूँ कि नासिर उस्ताद का साथ देंगे। नासिर उस्ताद को ये भरोसा देता हूँ मैं, हमारी यूनियन और हमारी फुटपाथ की यूनियन सब आपके साथ है, आपके साथ हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जिताने की कोशिश करेंगे।